गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस त्यागी अमी से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट का टॉपिक, बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि नमन प्रतिबल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो हमारे जो पिछला वीडियो था, उसमें हमने शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बेंडिंग स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम किसी बीम पर या धरण पर कोई बल लगाते हैं, तो उसमें शीयर फोर्स यानी कि कर्तन बल और बेंडिंग मोमेंट यानी कि नमन घूर्ण पैदा होते हैं, जो कि आप यहां पर इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो यहां पर हमने एक बीम ली है, जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी, जिसके एक बिंदु सी पर एक लोड लगा हुआ है डब्लू, और इस डब्लू के कारण यहां पर हमारा ये शीयर फोर्स डायग्राम और नीचे में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा वो हमने शो किया। अगर आप शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर लोड W एक बीम पर लगा हुआ है, तो उसका शीयर फोर्स डायग्राम बनेगा यानी कि उसमें शीयर फोर्स डेवलप होंगी, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा यानी कि उसमें कुछ बेंडिंग मोमेंट भी लगेगा। इस लोड के कारण या जो शीयर फोर्स डेवलप होता है, इसके कारण बीम में कुछ विरूपण होता है। जब हम इसमें लोड लगाएंगे तो ये बीम की जो फाइनल पोजीशन है कुछ इस तरह से हो जाती है। यानी कि बीम जो है बीच में से डिफ्लेक्ट हो जाती है नीचे की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं बीम का विरूपण हो जाता है। इस विरूपण के कारण जो बीम है, और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पार्ट में या अवयव में अगर कोई प्रतिरोध होता है या डिफॉर्मेशन होती है, तो वह उसका प्रतिरोध करता है, एक रेजिस्टेंस पैदा होता है उस पार्ट में। तो ऐसा ही बीम के मटेरियल में भी होता है, जब उसका डिफॉर्मेशन होगा बीम का, तो उसमें एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और इस प्रतिरोध के कारण बीम में कुछ स्ट्रेसेस या प्रतिबल उत्पन्न होंगे। अब जो स्ट्रेसेस बेंडिंग मोमेंट यानी कि आघूर्ण के कारण पैदा होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। और जो स्ट्रेसेस या प्रतिबल शीयर फोर्स के कारण होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शीयर स्ट्रेसेस। तो दो तरह की स्ट्रेसेस बीम में डेवलप होती हैं। पहला है बेंडिंग स्ट्रेसेस, जो किसके कारण होती हैं, जो बेंडिंग मोमेंट या आघूर्ण बीम पर लगता है उसके कारण, और दूसरा है शीयर स्ट्रेसेस या कर्तन प्रतिबल, जो पैदा होती हैं कर्तन बल जो लगता है उसके कारण। जब हम बीम्स में बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर एक और कंसेप्ट आता है, जिसे हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग, प्योर और सिंपल बेंडिंग, दो नाम से ही जाना जाता है, प्योर बेंडिंग या फिर सिंपल बेंडिंग। इस कंसेप्ट में हम मानते हैं कि अगर कोई बीम ऐसी है या बीम का कोई हिस्सा ऐसा है जिसमें केवल बेंडिंग स्ट्रेसेस ही डेवलप हो रहे हों, यानी कि उसमें कोई भी शीयर स्ट्रेस यानी कि कर्तन प्रतिबल जो है वो उत्पन्न नहीं हो रहे हों, तो ऐसी बेंडिंग को हम बोलते हैं सिंपल बेंडिंग या शुद्ध नमन। इसको मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं,
कि अगर कोई ऐसी बीम है जिस पर बल लगने के बाद या उसके बेंडिंग के बाद में केवल नमन प्रतिबल या बेंडिंग स्ट्रेस ही उत्पन्न हो रहे हैं, कोई भी शियर स्ट्रेस या कर्तन प्रतिबल उत्पन्न नहीं हो रहे हो, तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं कि बीम इज अंडर सिंपल बेंडिंग या फिर उस बीम का शुद्ध नमन हो रहा है। दिस हैपन्स व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। तो यह जो सिंपल बेंडिंग है केवल एक ही स्थिति में उत्पन्न हो सकती है कि ये बीम है और इसके सिरों पर केवल और केवल बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। जैसा कि हम पिछले चैप्टर की वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम इसमें कोई भी बल लगाएंगे तो वो शियर फोर्स को उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर हम किसी बीम पर केवल बेंडिंग मोमेंट या आघूर्ण लगाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही जनरेट होगा और इस बेंडिंग मोमेंट के जनरेशन से केवल बेंडिंग स्ट्रेस या नमन प्रतिबल ही उत्पन्न होंगे, कोई भी शियर स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होंगे। इसको इस बीम के डायग्राम से हम समझते हैं। हमने एक बीम यहां पर मानी है सी एंड डी। तो इस बीम सी डी में आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट सी है यहां पर एक बल लगा हुआ है W, ऐसे ही एक बल लगा हुआ है पॉइंट डी पर W, जबकि ये जो बीम है दो बिंदुओं पर अलंबित है या सपोर्टेड है, एक है पॉइंट ए और ये दूसरा है पॉइंट बी। तो यह बीम बिंदु ए और बी पर सपोर्टेड है और इसके दोनों सिरों सी और डी पर लोड लगा हुआ है डब्ल्यू। अब अगर हम इस बीम का शियर फोर्स डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। जो इसका सिरा है वहां पर, यानी कि डी से लेके बी तक, इसमें एक शियर फोर्स डेवलप होगा। उसके बाद जो बीम का ये वाला हिस्सा है बी और ए के बीच में, यहां पर कोई भी शियर फोर्स हमारा डेवलप नहीं होगा और ए से सी के बीच में फिर से शियर फोर्स बनेगा। ये डायग्राम कैसे बनाया जाता है ये हमारे आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगेन, अगर हम इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो वो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। आप देख सकते हैं कि डी से बिंदु बी तक बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, उसके बाद बी से लेके सी तक बेंडिंग मोमेंट एक समान है और ए से लेके सी तक ये वापस से घटकर जीरो हो जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बीम का बीच वाला हिस्सा है यानी कि ए से बी का, इसमें कोई भी शियर फोर्स डायग्राम नहीं है और यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीम का हिस्सा ए और बी के बीच में है ये शुद्ध नमन के अंतर्गत है, यानी कि ए और बी के बीच में सिंपल बेंडिंग हो रही है, इसमें कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लग रही है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट प्योर बेंडिंग का या सिंपल बेंडिंग का आपको क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन के बारे में और उसको डराइव भी करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अब आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।